पन्नगी च सुरेन्द्री च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वांग्मय में कहा गया है, मिट्टी में सब भूएषु वीरम मध्य न केनै। आदमी के भीतर अनेक प्रकार की वृत्तियां होती हैं, अच्छी वृत्तियां भी होती हैं और बुरी वृत्तियां भी हो सकती हैं। इन वृत्तियों के कारण आदमी का व्यवहार कभी बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण और धर्ममय बन जाता है, तो कभी आदमी आक्रोशशील, लड़ाई झगड़ा करने वाला, अहंकारी इस रूप में भी व्यवहार करने लग जाता है। अनंत काल से हमारी आत्मा के अंदर संस्कार हैं, वृत्तियां हैं। अब प्रश्न है कि आदमी अच्छा आदमी कैसे बने। अच्छा आदमी बनने के लिए दुर्वृत्तियों को दूर करने की अपेक्षा है और सद्वृत्तियों को पुष्ट करने की इच्छा है, अपेक्षा है। अब वह कैसे हो, दुर्वृत्तियां कैसे दूर हो, सद्वृत्तियां कैसे मजबूत हो, इसका उपाय है धर्म की साधना, अध्यात्म की साधना, सत संकल्पों का प्रयोग। आखिर पुरुषार्थ एक तत्व है जिसके द्वारा आदमी विकास की दिशा में गतिमान हो सकता है और किसी अच्छी मंजिल को प्राप्त भी हो सकता है। दुनिया में अनेक संप्रदाय हैं, धर्म और संप्रदाय एक अपेक्षा से, धर्म संप्रदाय एक ही चीज भी कोई मान सकता है और एक अन्य अपेक्षा से धर्म अलग तत्व है, संप्रदाय अलग तत्व है, ऐसा भी माना जा सकता है। मूल शुद्ध साधना जो धर्म अध्यात्म की साधना है, वह विभिन्न संप्रदायों में भी कई अंशों में एक समान रूप में प्राप्त हो सकती है। जैसे कुएं का पानी है, कुएं का पानी निकाला गया, कुछ पानी बाल्टी में रख दिया गया, एक बाल्टी भर के रख ली गई, थोड़ा पानी एक कटोरे में रख लिया गया, कुछ पानी ग्लासों को भरकर ग्लासों में रख लिया गया, कुछ पानी घड़े में डाल दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि वो घड़े वाला पानी है, वो बाल्टी वाला पानी, वो कटोरे वाला पानी, वो ग्लास वाला पानी। अब ये कितने विशेषण लग गए, घड़े वाला के बाल्टी वाला, कटोरे वाला, ग्लास वाला, पर पानी तो सब में सेम, वही का वही पानी है। ऊपरी जो भाजन है, आधेय आधार है, उसका अंतर है। आधेय एक है और आधार अलग अलग है। पानी वही है, पानी के आधारभूत बर्तन वो अलग अलग है। ये भिन्नता बर्तनों की है, पानी में कोई भिन्नता नहीं है।
दूध आदमी पीता है, एक सफेद रंग की गाय है, कोई काली गाय है, कोई मान लो कुछ लाल सी गाय है, कोई चितकबरी गाय है, और सभी गायों को दूहा गया। तो गाय के शरीर का रंग तो किसी का काला था, किसी का लाल था, किसी का सफेद था, तो दूध का रंग तो सबका सफेद है, तो दूध सबका सफेद है, पर गायों के शरीरों का रंग कुछ अलग अलग भी है। तो गायें अलग अलग है, आखिर दूध तो वह दूध है, सफेद रंग का है। आदमी का शरीर है, किसी का चेहरा गौर है, किसी का चेहरा थोड़ा श्याम है, काला है, पर भीतर में रक्त प्रवाहित हो रहा है। तो श्याम वर्ण वाले आदमी के शरीर में भी लाल रंग का रक्त है, गौरे आदमी के शरीर में भी लाल रंग का रक्त है। तो शरीर का रंग अलग अलग है, रक्त का रंग अलग एक प्रकार का है। इसी प्रकार ये कई अध्यात्म की बातें, उनमें एकता है, पर संप्रदायों के नाम अलग अलग हैं, वेशभूषा में अलगाव हो सकता है, कहीं कहीं सिद्धांत की भी भिन्नता हो सकती है, कहीं उपासना पद्धति में, चर्या में, साधना में भी कुछ भिन्नता हो सकती है, पर कई चीजों में बड़ी समानता होती है। तो हम मूल तत्व को देखें तो कई अंश, कुछ अंशों में मूल तत्व एक जैसा प्रतीत होता है। अब जैसे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, प्राणियों को तकलीफ मत दो, सबके प्रति मैत्री भाव रखो और इंद्रियों का संयम रखो, गुस्सा मत करो, घमंड मत करो, किसी को धोखा मत दो, ज्यादा लोभ मत करो। अब ये जो बातें हैं उनमें कौन सा संप्रदाय कहेगा कि ये बातें गलत है, कौन सा संप्रदाय कहेगा? अब सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, नैतिकता, इंद्रियों का संयम, गुस्सा नहीं करना, शांति रखना, घमंड नहीं करना, आप किसी को पूछ लो, जैन धर्म के शास्त्रों के अनुसार पूछ लो, सनातनी शास्त्रों के अनुसार देखो, इस्लाम को देखो, ये बातें गलत है ऐसा कौन कहेगा? यानी संभवतः इन बातों में बहुत समानता है, परंतु संप्रदाय अलग अलग हैं, वेशभूषा कुछ अलग अलग हो सकती है और कुछ परिवेश अलग हो सकता है। तो एकता और अनेकता, एकता भी बहुत है कुछ बातों में, अनेकता भी हो सकती है। ये हमारा हाथ है, ये पांच अंगुलियां हैं, अब ये पांचों यों तो अलग अलग हैं, यों एक ही पुंचे से, हाथ से, हथेली से जुड़ी हुई है, सब में कितना प्रेम भाव है, माने यानी कितनी निकटता है, एक दूसरे के साथ भी मिल जाती हैं, अलग भी हो जाती हैं, अलग होकर भी एक से जुड़ी हुई हैं। तो यों अनेकता में भी एकता रह सकती है। चार भाई हैं, अलग अलग उनके मकान हैं, पर एक पिता से चारों जुड़े हुए हैं, एक चारों उसी पिता के पुत्र हैं, चारों में किसी को पूछ लो भी पिता का नाम क्या, चारों के पिता एक हैं, तो एक पिता के ही चार पुत्र हैं। तो ये मूल एक से फिर कुछ अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। तो अनेकता की अपनी उपयोगिता भी कहीं कहीं होती है। ये पांचों अंगुलियां अलग अलग हैं तो उनकी ज्यादा उपयोगिता, सारी अंगुलियां एक में हो जाएं तो उपयोगिता में कुछ कमी हो सकती है। कि लिखना है तो अंगूठे का, अंगुली का सारा लिया, लिखना हो गया, और कुछ काम करना तो जिस अंगुली का उपयोग उससे वो काम किया जा सकता, जरूर तो पांचों को मिला भी सकते हैं। तो अलग के अलग और एक के एक होते हैं। मकान के बीच में, दो मकानों के बीच में गेट है, मैं जहाँ प्रवास करता हूँ भोल के अंदर गेट है, वैसे इत अपेक्षा हो तो उस गेट को बंद कर दो, दो भाग हो जाएंगे, विशाल जगह चाहिए तो गेट को खोल लो, पूरा होल एक हो जाएगा।
तो जरूरत हो तो विशालता को प्राप्त कर लो, जरूरत हो तो अपेक्षा हो तो दो भाग कर लो। इस प्रकार अनेकता की अपनी उपयोगिता होती है और एकता की अपनी उपयोगिता होती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने, जो वैसे तो जैन धर्म के आचार्य थे, हमारे 13 पंथ के जैन श्वेतांबर के 9वें आचार्य थे, जैन परंपरा में ही थे, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, कार्यक्रम शुरू किया, वह था अनुव्रत आंदोलन। यानी अनुव्रत की पृष्ठभूमि यह है कि संप्रदाय अलग अलग हैं, जातियां भी अलग अलग हैं, वेशभूषाएं भी अलग अलग होती हैं, भाषा भी अलग अलग हैं, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, इन चीजों में भिन्नता है। धर्म संप्रदाय अलग अलग है, हम लोग जैन धर्म के हैं, कोई सनातन से, कोई इस्लाम से, कोई किसी से, अलग अलग धर्म परंपराएं हैं। आचार्य तुलसी का या अनुव्रत का यह संदेश कि किसी भी धर्म को मानो, अपनी अपनी इस इच्छा है, आस्था है, एक ऐसा धर्म जो सबके लिए मोटा मोटी मान्य हो सके, कि अनुव्रत, अनुव्रत कोई यह नहीं कि जैन बनना पड़ेगा, अनुव्रत को स्वीकार करने के लिए, अनुव्रत आंदोलन को स्वीकार करने के लिए, उसकी आचार संहिता को स्वीकार करने के लिए जैन बनना कोई आवश्यक नहीं है, आचार्य तुलसी को गुरु मानना कोई आवश्यक नहीं है, बस अच्छे छोटे छोटे नियमों की आचार संहिता को स्वीकार करो। जैसे मैं निरपराध प्राणी की यथाविधि हत्या नहीं करूंगा, मैं सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाऊंगा, मैं शराब आदि का नशा नहीं करूंगा, मैं सहिष्णुता रखूंगा, मैं वोट देने में कोई प्रलोभन आदि में आकर वोट नहीं दूंगा, ऐसे छोटे छोटे, मैं पर्यावरण के प्रति जागरूक रहूंगा। अब ये छोटे छोटे नियम है, सामान्यतया मोटा मोटी किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है, कोई संप्रदाय गलत नहीं मानता। ऐसे जो छोटे छोटे नियम हैं वे उनको स्वीकार करो और अच्छे इंसान बनो, आप जिस धर्म को चाहो उसको मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जहां धर्म परिवर्तन की बात यूं आ जाएगी, आपको जैन बनना पड़ेगा, तो कोई आदमी सोचेगा भी जैन तो नहीं बनना चाहते, हम तो सनातनी, हम इस्लाम, हम कैसे जैन बन जाएं। इसलिए जैन बनना अपेक्षित नहीं है, गुड मैन बनो, अच्छे आदमी बनो, और उसके लिए अच्छे अच्छे इन नियमों को स्वीकार करो, नशा नहीं करना, हत्या हिंसा नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, ऐसे जो कुछ नियम हैं उस आचार संहिता को स्वीकार करो और एक अच्छे मानव बन जाओ। तो अनुव्रत आंदोलन को शुरू हुए, अब 75वां वर्ष चल रहा है, आचार्य तुलसी का महाप्रयाण लगभग 26-27 वर्ष पहले हो गया था। उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, उनका भी लगभग 13 वर्ष पूर्व महाप्रयाण हो गया था। अनुव्रत आज भी गतिमान है और अभी 75वें वर्ष में प्रगतिमान है, और वर्ष में 7 दिनों का एक कार्यक्रम चलता है अनुव्रत के संदर्भ में, वह है अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह तो वह आज से शुरू हुआ है, 1-7 अक्टूबर तक का यह 7 दिनों का कार्यक्रम है, आज प्रथम दिन है। और यह सप्ताह एक सुंदर, जिसमें कोई संप्रदाय की ऐसी कोई बात नहीं, मानव जाति संबंधी बातें हैं, तो ये आज सांप्रदायिक सौहार्द की बात है। तो अनेक संप्रदाय हैं, अपनी अपनी पूजा उपासना की पद्धतियां हो सकती हैं, अपने कुछ संप्रदायों की अपने अपने नियम विधान संविधान हो सकते हैं, और अपने ढंग से अपनी पद्धति का पालन करते हुए भी
हम सब अपने मैत्री भाव में रहें, सबके साथ मैत्री। अनुव्रत का जो गीत है उसका एक पद्य है, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो। तो मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, कि मैत्री भाव रखें। हमने इस अपनी यात्रा में तीन बातों का प्रचार करने का प्रयास किया है, कर रहे हैं। पहली बात है सद्भावना, यानी सब विभिन्न जातियां संप्रदाय हैं, इन भेदों के आधार पर आदमी हिंसा मार काट दंगा फसाद इनमें न जाए, सबके प्रति सद्भावना रखे। तो पहली बात है सद्भावना। दूसरी बात है नैतिकता, कि जो भी कार्य करो उसमें ईमानदारी रखो, किसी को धोखा देने का प्रयास मत करो। तो नैतिकता, चोरी मत करो, जहाँ तक हो सके झूठ चोरी बेईमानी इनसे बचो। तीसरी चीज है नशा मुक्ति, डी एडिक्शन, या शराब सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा ड्रग्स ऐसी नशीली चीज़ों से बचने का ध्यान रखो, बचो, यह नशा मुक्ति है। तो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, अनुव्रत आंदोलन की जो आचार संहिता है बातें हैं उसका कुछ सघन निचोड़ मानो इन तीन बातों में आ गया है। तो सद्भावना नैतिकता नशा मुक्ति, यह संकल्पत्रयी हम विद्यार्थियों को लोगों को ये संकल्प की भाषा बताते भी हैं, प्रतिज्ञाएं भी करने वालों को कराते हैं। तो आज यह है अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का शुभारंभ और प्रथम दिन है, सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के रूप में है। तो विभिन्न संप्रदाय हैं उनमें परस्पर मैत्री भाव सौहार्द भाव, किसी दूसरे के कार्य में हम द्वेष भाव से बाधा पहुंचाने का, दुर्भावना से बाधा पहुंचाने का प्रयास न करें, हो सके अपेक्षा अनुसार किसी का औचित्यानुसार सहयोग करें। सहयोग मान लो न भी करें या अपेक्षा नहीं, तो कम से कम विघ्न बाधा पैदा करने का दुर्भावना पूर्वक प्रयास न करें। तो इस प्रकार का यह मैत्री भाव अहिंसा का भाव बना रहता है तो पहली बात है खुद की चेतना अच्छी रहती है, हमारी आत्मा अच्छी बनती है और शांति भी रहती है। जहाँ हिंसा है वहाँ अशांति को पैदा होने का मौका मिलता है, जहाँ अहिंसा है वहाँ शांति होती है। और हिंसा पशु यानी दुखानी, हिंसा से दुख पैदा होते हैं। तो हम अहिंसा मैत्री के पथ पर चलें। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी ने उनके समय में जो ये आंदोलन शुरू हुआ था 75वें वर्ष में है,
तो अणुव्रत और अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो इस कार्यक्रम को चलाने वाली विराट संस्था, अणुव्रत समितियां भी हैं या अणुव्रत समिति मुंबई, तो अणुव्रत समितियां और जो भी इस कार्य से जुड़े हुए संगठन हैं वे अच्छा नैतिकता अहिंसा के प्रचार का कार्य करते रहें, अच्छा काम होता रहे। और आज अनेक महानुभाव भी उपस्थित हुए, जैसा सांप्रदायिक सौहार्द की बात है तो मानो अनेक संप्रदायों के लोग यहाँ पंडाल में स्थित हैं। हम सभी जो अपने अपने संप्रदाय से संबद्ध हैं अच्छा काम करते रहें, अच्छा होता रहे। मंगल दानान शेठम अभयप्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमी समणेनाय पुत्ते।